तो यहाँ पे वार्निंग भी लिखी गई है, प्लीज डोंट टच द एल्युमिनियम फॉइल व्हेन प्लग इन इन पावर। हम 2 सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो ये रेड हो गया है। यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यार ये सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेटल की रॉड है यहाँ पर, ये इवेपोरेशन हो रहा है। कार में मिनी माइक्रोवेव इंस्टॉल करना है, हो जाएगा। ऑफिस और घर में खाना गर्म करने की टेंशन सॉल्व आउट करनी है, ये भी हो जाएगी। हम अपनी गाड़ी में माइक्रोवेव यानी कि मिनी माइक्रोवेव हम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं ये इलेक्ट्रिक हीटिंग लंच बैग, ऐसा मिनी पोर्टेबल ओवन कह लीजिए, माइक्रोवेव कह लीजिए, लंच बॉक्स कह लीजिए, एक ऐसा है जो आप अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा बॉक्स बहुत काम का है, किस लिए कैसे काम का है पूरा बताएंगे अगर आप वीडियो में जुड़ चुके हैं। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये वन इन इंडिया, आपने बहुत बाहर की वीडियो में देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन आज हम अपने इंडिया में एक अपनी कार में एक ऐसी नई चीज इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है। आप अपने खाने को गर्म और फ्रेश रख सकते हैं बिल्कुल, जैसे आप अपने घर से कुछ भी बनाकर लाते हैं। इसमें बनेगा नहीं, मैं आपको पहले बता दूंगा, आप सोच रहे हो कि इसमें पूरा खाना बनेगा, नहीं वो नहीं है। जैसे होता क्या है कि हम किसी ट्रिप पर जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम पूरा सेटअप निकालते हैं, गैस चूल्हा स्टोव सब निकालते हैं, फिर खाना हीट करते हैं, गर्म करते हैं, लेकिन इस बार वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आपका खाना मिनटों में गर्म हो सकता है। यहाँ पर सब मेंशन करा हुआ है कि यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर, ऑफिस वर्कर, आउटसाइड वर्कर और कैंपिंग के लिए बहुत पोर्टेबल, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पर एल्युमिनियम हीटिंग हाई क्वालिटी हीट कंडक्शन है जो वर्क करता है 12 वॉट पे, कि आप जब अपना खाना गर्म करो तो किस चीज में करो, प्लास्टिक में करो, ग्लास में करो, कैसे कैसे, तो यहाँ पर है। तो ये मेटल का है, ठीक है, मेटल में आप कर सकते हो, एल्युमिनियम फॉइल में कर सकते हो, कार्डबोर्ड में कर सकते हो, प्लास्टिक में कर सकते हो, ग्लास में कर सकते हो और सेरेमिक में कर सकते हो। तो ये इन सब चीजों में आप अपना खाना बिल्कुल गर्म कर सकते हो। इजी टू कैरी, इजी टू क्लीन, सब कुछ है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या ये परचेज करने लायक है, इफायती है या नहीं। तो सबसे पहले जब आप बॉक्स ओपन करते हो तो कुछ इतना छोटा सा प्यारा सा कैरी बैग आपको टाइप में मिल जाएगा, यही है आपका पोर्टेबल माइक्रोवेव ओवन। यहाँ पे ग्रिप मिल जाती है हमें पकड़ने के लिए कि हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी कैंपिंग के लिए जा रहे हो, तो ये बहुत ही लाइट वेट है कि आप देख सकते हो मैं इसे एक उंगली से भी कैरी कर सकता हूँ। पर ये इसे स्टेबल करने के लिए 4 ये पॉइंट दिए गए हैं जिससे अगर आप इसे कहीं रखोगे तो ये गिरेगा नहीं। यहाँ पर इसका पावर बटन दिया गया है, यहाँ पर इसका कनेक्टर दिया गया है, चैन मिल जाएगी। सो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। 12 वॉट की केबल मिल जाती है, जो कनेक्टर मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे प्लग होगा, ये कनेक्टर वो है, ये 12 वॉट जो हम अपनी गाड़ी में यूज करते हैं ये उसके काम आएगा। एक यहाँ पर यूजर मैनुअल दी गई है कैसे इसे पूरा ऑपरेट करोगे, यहाँ पे हर लैंग्वेज में यहाँ पे यूजर मैनुअल दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पूरा डिटेल में इसका रिव्यू देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करने वाला है। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये तो है हमारी गाड़ी के लिए, ठीक है, ये 12 वॉट में यूज होती है जो आप सभी को पता होगा। और ये कनेक्टर ऐसा होता है कि ये आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये आप अपने घर, ऑफिस वगैरह हर जगह यूज कर सकते हो। तो जब आपका मन करे आप गाड़ी में गर्म करना चाहो तो यहाँ इस केबल का यूज करोगे, घर पे ऑफिस में करना चाहो तो आप ये कन्वर्टर का यूज करोगे। यहाँ पर ये पोर्टेबल है, इसको कैसे भी आप कर सकते हो, जितना आपको लार्ज व्यू करना है। और यहाँ पर ना एक मेटल की रॉड है, यहाँ पर अगर मैं ये प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मेटल की रॉड्स है यहाँ पे, पूरी हीट अप होती है और इसके ऊपर जैसे आप अपना ग्लास रखोगे या कोई कटोरी वगैरह रखोगे, कोई भी यूटेंसिल्स आप रखोगे तो वो हीट होगा, और जो हीट होगा जब भी आप इसे रखो तो ऑलवेज इसे बंद कर दो। और हाँ, मेक श्योर जब आपकी केबल कनेक्ट हो आप इसे टच मत करना, अगर आप इसे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे ऐसे तो ये ऑन हो जाता है, जब ये रेड लाइट जले इसमें तो मतलब कि आपका ये ऑन हो गया है, ग्रीन लाइट मतलब ये ऑफ हो चुका है, और 1.5 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है क्योंकि फिर कूल होने लगता है जो उसके नीचे का एलिमेंट है। तो यहाँ पे वार्निंग भी लिखी गई है, प्लीज डोंट टच द एल्युमिनियम फॉइल व्हेन प्लग इन इन पावर, कि जब ये पावर में लगा हो तो आप इसकी एल्युमिनियम फॉइल यानी कि ये वाली जो परत है आप इसे टच मत करना क्योंकि ये गर्म रहती है, हीट रहती है। और दूसरा है प्लीज अनप्लग पावर आफ्टर द हीटिंग इज फिनिश, जब आपका खाना बिल्कुल गर्म हो जाए तो आप इसका अनप्लग कर दें, उसके बाद ही आप निकालें। हमारे पास यहाँ पे वायर मिल जाती है कुछ, आप देख रहे होंगे 1 मीटर तक की पूरी वायर है इसकी। सो यहाँ पर ये हम प्लग इन करते हैं, यहाँ लाइट जल गई है, और दूसरा इसको यहाँ से प्लग इन करते हैं। ये अभी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि जब तक मैं ये प्रेस नहीं करूंगा तब तक ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर मैं कुछ ये लाया हूँ, ये छोले हैं हमारे, सो मैं ये गर्म करके देखना चाहता हूँ कि यार ये सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ हम 2 सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हो ये रेड हो गया है यहाँ पे, तो रेड का मतलब कि ये यहाँ पर चालू हो गया। इसको हम ऊपर से ढक देते हैं किसी चीज से, और इसको अगर आप चाहो तो पूरा आप ये बंद भी कर सकते हो, बट मैंने इतना कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि अभी 6:18 हो रहे हैं, अभी देखते हैं कि कितना टाइम ये पूरा लेता है और ये कितनी देर में पूरा ये हीट अप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो तब तक वेट करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए खाना वाना गर्म करना, जो कभी होता है ना ट्रेवलिंग में, आप चलते गाड़ी को आपको रोकना पड़ता है, खाना आपको गर्म करवाना पड़ता है,
किसी रेस्टोरेंट से, किसी ढाबे वाबे से, या आपको अपना स्टोव निकालना पड़ता तो उसकी झंझट नहीं है। आप इसे कहीं भी प्लेस करो, इसके अंदर रखो जो आपको रखना है, इसे ढक के रख दो और ये पूरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 6-7 मिनट हो गए, एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। मैंने यहाँ पे वाटर ब्रेक दिया था भाई, टच करके बता। ये देखो इसमें आपको दिख रहा होगा ये इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है बताइए, चेक करके बता। बहुत ही गर्म है, ओवर रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं हुआ है, नॉर्मल हो चुका है, गर्म हो चुका है ना, क्योंकि ये हमने रखा था। बाद में यहाँ से अनप्लग करेंगे, इसे हटा देंगे, गाड़ी कर देते हैं यहाँ से बंद। ये जो है ना यहाँ पर और यहाँ पर ये पूरी, ये नीचे भी गर्म हो गई है, ये पूरे प्रॉपर गर्म हो चुके हैं। कटोरी पकड़ के देखिए एक बार, हीटअप है। तो ये 5 मिनट का भी रिजल्ट है हमारा जो पूरा गर्म हो चुका है। आपने जब देखा होगा जब हमने डाला था तो ग्रेवी थोड़ी सी इसकी टाइट थी, बट अब लूज हो गई है क्योंकि ये हीट हो चुका है। यहाँ पे नीचे का जो पूरा सरफेस है ये पूरा गर्म है। मैक्सिमम या मिनिमम टाइम लेके चलू ना तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट आपको लगेंगे प्रॉपर गर्म करने में, जो पूरा धुआं निकलता है इसमें वो उसमें 15-20 मिनट जाएंगे। और ये हमने 6-7 मिनट रखा तो इसमें पूरा ये कटोरी गर्म हो गई है, यहाँ से ये छोले भी गर्म हो चुके हैं हमारे। ये था हमारा मिनी पोर्टेबल माइक्रोवेव ओवन जो गाड़ी और ऑफिस के लिए वर्क करेगा। मैंने आपको बता दिया कितना स्पेस इसमें आ जाता है, किस किस चीज में आप इसे गर्म कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लास्टिक में ना करना, क्योंकि प्लास्टिक आपको भी नुकसान देगी, आपकी हेल्थ के लिए भी। ये था आज का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको बताया। अगर ये नहीं हीट अप कर पाता तो मैं आपको बताता कि भाई ये नहीं वर्क कर रहा है, बट ये इट्स वर्किंग। हमने 6-7 मिनट देखा है, बस 6-7 मिनट में ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया है। और अगर यही हम 15-20 मिनट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर आपको ये परचेज करना है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन पे बहुत अच्छी डील चल रही है, आप इसे वहां से जाके इसे मंगा सकते हैं। और ये इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि बहुत कम लोगों को उसको पता नहीं, क्योंकि ये कैंपिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में।